अमेरिका ने हमले की आशंका जताई है। आज रात ईरान की ओर से हमले की आशंका जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने आशंका जताई है कि ईरान की ओर से हमला किया जा सकता है। यूएन ने भूमध्य सागर में भेजी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी बयान दिया है कि ईरान इराक इसराइल के एयर स्पेस से उड़ान नहीं भरेंगे। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त एक साथ हम आपको बता रहे हैं। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि ईरान इराक और इसराइल के एयर स्पेस से हम उड़ान नहीं भरेंगे, यानी कि इन देशों के ऊपर से उड़ान नहीं भरी जाएगी और इसके पीछे है हमले की आशंका, क्योंकि अमेरिका ने हमले की आशंका जताई है। संभव है कि आज रात ईरान हमला करे और इसी बात को लेकर ईरान ने हमले की आशंका पहले ही जता दी है और इससे बचने के लिए या फिर ये कहिए कि एक और अटैकिंग कदम उठाने के लिए भूमध्य सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई है और लुफ्तांसा ने भी खाड़ी के ऊपर से अपनी उड़ानें रोक दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्विस एयरलाइंस ने भी ये बयान दिया है कि हम इराक ईरान और इसराइल के ऊपर से उड़ान नहीं भरेंगे, उनके एयर स्पेस से उड़ान नहीं भरेंगे। और दूसरी तरफ लुफ्तांसा एयरलाइंस ने भी ये तय किया है कि वो खाड़ी देशों के ऊपर से उड़ान नहीं भरेंगे उनके विमान। तो तीन अपडेट इस वक्त एक साथ आपको बता रहे हैं। स्विस एयरलाइंस ने तय किया है कि ईरान इराक और इसराइल के ऊपर से उड़ान नहीं भरी जाएगी। इसी तरह से लुफ्तांसा एयरलाइंस ने भी यह तय किया है कि खाड़ी देशों के ऊपर से उड़ान नहीं भरी जाएगी उनके एयर स्पेस से, क्योंकि खतरा है हमले का। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एयरलाइंस ने यह कदम उठाया है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दी है। Z News.